आज मैं सोया चंक्स की ऐसी मज़ेदार की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिसे खाने के बाद आप भी सोचेंगे कि पहले हमें क्यों नहीं पता था। बहुत ही यमी वाली रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर आप इसका फ़ैन बन जाएंगे। और मटन चिकन भी इसके सामने फेल है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक बाउल में मैं 2 छोटी बाउल ऐड कर रही हूँ सोया चंक्स, और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ गर्म पानी। आप अपने हिसाब से सोया चंक्स ले लें, आपको जितना ऐड करना है जितना बनाना है आप ले सकते हैं। और साथ में इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें ठंडा पानी ऐड करने के बाद आप इसे उबाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं उबाल रही हूँ सोया चंक्स को। मैं यहाँ पे गर्म पानी ही ऐड कर रही हूँ ताकि इसे जो भी स्मेल वगैरह होता है ना, आप खुला ना ले, पैकेट वाला ले, क्योंकि खुले वाले में थोड़ा सा स्मेल करता है। तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर ले, सारा स्मेल ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी, और ठंडे पानी से 2 से 3 बार मैं इसे वॉश कर ली हूँ। और वॉश करने के बाद इसे अच्छे से निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है। अच्छे से निचोड़ के मैं इस प्लेट में रख ले रही हूँ। और ये लीजिए, सारा सोया चंक्स अच्छे से निचोड़ने के बाद मैं इस प्लेट में ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद मैं इसमें साथ में ऐड करूँगी 1.5 छोटी चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, और साथ में 1 छोटी चम्मच यहाँ पे ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर अभी कम ही ऐड करना है। और साथ में 1 छोटी चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिर्च पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, बाकी का मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी। और 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन को कद्दूकस करा है मैंने यहाँ पे, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। और 1 बाउल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, भर के 1 बाउल ऐड कर रही हूँ दही। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, आप चाहें तो खट्टा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन जितना फ्रेश इसमें ऐड करते उतना ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी होता है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके ऐड करूँगी। आप चाहें तो कसूरी मेथी को पहले गर्म करने के बाद इसे क्रश करके ऐड करें, उससे और ज़्यादा फ्लेवर अच्छा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कसूरी मेथी को नहीं गर्म कर रही हूँ, ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा मैं इसमें देगी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। और ये सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसलिए मिक्स करना है क्योंकि अच्छे से इसमें दही मसाला वगैरह नमक जो भी ऐड करी हूँ एब्जॉर्ब हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ साइड में, जब तक मैं आगे की प्रोसेस चालू रखती हूँ, और ये साइड में रख दे रही हूँ। और अब 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो गया है और ये सोया चंक्स अच्छे से सेट हो गया है, काफ़ी अंदर तक मसाला एब्जॉर्ब हो गया है। आप देखिए, मैं इस तरीके से इसे प्रेस करके दिखाती हूँ। तो इसे साइड में रख दी हूँ और ले ली हूँ एक पैन, और पैन में 1 छोटी बाउल मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और 1 मीडियम साइज़ का मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ प्याज, और इस प्याज को अच्छे से भून लेना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो मैं एक छन्नी में इसे निकाल ले रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा मैं साइड कर दूँगी, सारा निकल जाएगा। और 1 मिक्सी के जार में रख के मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये लीजिए, मैं यहाँ पर मिक्सी के जार में ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहें तो अदरक और लहसुन भी ऐसे फ्राई करके इसे ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैं अदरक लहसुन नहीं ग्राइंड कर रही हूँ, सिर्फ प्याज ही ऐड कर रही हूँ। आप अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 2-3 भी प्याज ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही इसलिए मैं ज़्यादा प्याज नहीं ऐड कर रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा, तेज़पात और मिर्च ऐड कर रही हूँ। और इसे थोड़ी देर के लिए मैं चटकने दे रही हूँ। और यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड हो गया, अच्छे से चटक गया है। अब मैं ग्राइंड करके जो प्याज रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और ये लीजिए, मैं सारा प्याज ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे भून लेना है, ताकि अच्छे से ये मतलब फ्राई हो जाए। और 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर। आप चाहें तो इसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चॉप कर ली हूँ बारीक। और यहाँ पर टमाटर ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, जो भी मसाला आपको ऐड करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, साथ में ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, और 1 चुटकी के बराबर यहाँ पे ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मैं पहले भी ऐड कर रही हूँ, मसाला भी ऐड कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। और साथ में 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे ऐड करना है देगी लाल मिर्च पाउडर, जिससे काफ़ी प्यारा सा कलर आ जाता है इसमें। और इसे सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के करीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये मसाला जले ना। तो मैं यहाँ पर ढक दी हूँ और ये 4 से 5 मिनट ये कंप्लीट हो गया है, और आप देख सकते हैं कि मसाला भी अच्छे से पक गया है, और इस मसाले से अच्छे से तेल भी छोड़ना स्टार्ट हो गया है।
इस मसाले को आप तब तक भूने जब तक इस मसाले से तेल ना छोड़ दे। आपको देखने से पता चल गया होगा कि ये मसाला अच्छे से भून गया है और अच्छे से तेल भी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो मेरीनेट करके रखी थी सोया चंक्स। यहाँ पे सारे सोया चंक्स को मैं ऐड कर दी हूँ। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चला के मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी करीबन 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये मसाला अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसे ढक दे रही हूँ। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं ऐड करना है अभी, बाद में इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें दही ऐड करी हूँ तो ये खुद ब खुद पानी छोड़ देता है। और ये लीजिए 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो गया है और ये सोया चंक्स की यमी वाली सब्जी बनके रेडी हो गया है। और ये लीजिए, अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर ले। अगर नहीं चाहिए, सूखा बनाना है, अगर रोटी के साथ खाना है, तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा ग्रेवी रह जाएगा और थोड़ा सा पानी जल जाएगा। तो मैं एक छोटी बाउल से ऐड कर रही हूँ पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटन मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई और भी मसाला ऐड करें, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मटन का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे करीबन 1 चुटकी के बराबर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मटन मसाला, और साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके। आप एक बार इस तरीके से सोया चंक्स की सब्जी बनाएं, आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा ना कि आप हफ्ते में 2 से 4 बार यही सब्जी बना के आप खाना पसंद करेंगे। बहुत ही इजी बन के ये तैयार होता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, करीबन 5 से 10 मिनट में ये सब्जी बन के रेडी भी हो जाता है। और टेस्टी तो इतना कि आप इसका मतलब जवाब नहीं है कितना ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है। तो ये लीजिए, यहाँ पे ये सब्जी भी पक के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ, और कोरिएंडर लीफ ऐड करने के बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। और ये लीजिए, ये प्यारा सा सब्जी, टेस्टी सा सब्जी बन के रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी, पराठा, चावल या फिर किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही यमी वाली ये सब्जी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब भी ट्राई कीजिए कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।